दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉक में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं दिल्ली में मेहरौली, और मेहरौली के अंदर स्थित है अजीम खान का मकबरा। दोस्तों यहां पर अगर आप आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा दिल्ली में कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, और कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है अजीम खान का मकबरा। दोस्तों यह मकबरा बिल्कुल ठीक कुतुब मीनार के सामने स्थित है। अगर इसकी एंट्री फ़ीस की बात की जाए तो ये निःशुल्क एंट्री फ़ीस है और ये 7 डेज हफ्ते में ओपन रहता है। इसके साथ साथ दोस्तों आज मैं बताऊंगा अजीम खान कौन थे, इनकी हिस्ट्री के बारे में, इनके इतिहास के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अजीम खान का मकबरा, जो एक मुगल सेना के जनरल थे, दिल्ली गुड़गांव रोड के अनवरत मार्ग पर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। मकबरे को 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह एक चौकोर आकार की संरचना में बनाया गया है जिसमें एक मुकुट वाला गुम्बद है जो प्लास्टर से लेपित है और नक्काशी से सजाया गया है। मुगल काल के बाद ब्रिटिश शासनकाल के दौरान मकबरों का उपयोग ब्रिटिश सैनिकों द्वारा मनोरंजन स्थल के रूप में किया जाता था। दोस्तों ये एक ऐसा मकबरा था जो इसका इस्तेमाल 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों को मनोरंजन के लिए किया जाता था। यहाँ पर रेस्टोरेंट की तरह यहाँ पर खाना खाया जाता था। इसके साथ साथ यहाँ पर पार्टी वगैरह हुआ करती थी। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसको यूज़ किया था। यह मकबरा राष्ट्रीय महत्व के भारतीय स्मारकों की सूची में शामिल है। जनरल अजीम खान के बारे में पर्याप्त ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। वह मुगल सेना के एक सेनापति थे जिसकी स्थापना साम्राज्य के तीसरे सम्राट अकबर ने की थी। उन्हें स्वयं अकबर द्वारा अर्थ शानदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जंगल है, इसके चारों तरफ से बहुत ही ज़्यादा डरावनी ये जगह है जो कि स्थित है दिल्ली के मेहरौली में। यहाँ पर आज की डेट में दोस्तों हर तरह की अय्याशी की जाती है, जैसे जुआ, और इसके अलावा यहाँ पर शराबी बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। अगर यहाँ पर आप आएँ तो अकेले बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी और ख़तरनाक जगह है जो कि दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में स्थित है। आप देख सकते हैं कितने भयंकर जंगल हैं चारों तरफ से दोस्तों। इसी तरह के अगर इसके बात की जाए इसके अंदर क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किया गया है, तो गाइस इसके अंदर लाल बलुआ पत्थर, रेड स्टोन, और इसके साथ साथ पहाड़ी पत्थर के साथ साथ दोस्तों इसकी ईंटों को वाइट चूने से इसको सजाया गया है। और इसके अंदर अगर अभिलेखों की बात की जाए तो इसके अंदर दोस्तों कलामे पाक की आयतें, कलामे पाक की सूरतें और कलमे लिखे हुए हैं। तो गाइस ये दिल्ली का सबसे ऊंचा मकबरा है जिसको क्या अजीम खान के मकबरे से जाना जाता है। अब अंदर की तरफ से देख लेते हैं हम अंदर की तरफ से किस तरह का ये मकबरा बना हुआ है। इसके अंदर कब्रें हैं, अजीम खान की भी कब्र है और इसके अलावा और भी बहुत सारी कब्रें हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कब्रें किसकी हैं। ये कब्रें दोस्तों अज्ञात हैं, और आप देख सकते हैं मेहराबदार बहुत सारे दरवाजे आपको इसके अंदर मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षित ये मकबरा है जो कि स्थित है दिल्ली के मेहरौली में। गाइस इसकी छत की अगर बात की जाए तो इसकी छत के ऊपर दोस्तों कमल की तरह, कमल के फूल की तरह डिज़ाइन किया गया है, और इसमें दोस्तों मस्जिद की तरह मेहराबें बनाई गई हैं। हो सकता है कि इसमें नमाज भी पढ़ाई जाती हो। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और आलीशान ये मकबरा है। दोस्तों जब भी दिल्ली में आएँ तो आप इस मकबरे को ज़रूर देखें। जो क्या आप इस टाइम फ़िलहाल तो दोस्तों ये अय्याशी का अड्डा बना हुआ है। ये जो आप लड़के देख रहे हैं ये वही लड़के हैं जो क्या हर तरह का जुआ, हर तरह का नशा यहाँ पर करते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।